असल स्टूडेंट्स आई एम रिमशाहन केमस्ट्री इंस्ट्रक्टर फॉर टूटोरिया डॉट पी के स्टूडेंट्स द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे इज़ चैप्टर नंबर टू ऑफ आर बुक दैट इज़ अटोमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर वन में हमने स्टॉइक्योमेट्री डिस्कस किया इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू में हम डिस्कस करेंगे अटोमिक स्ट्रक्चर के अटोमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री क्या है एक तरह से हम टाइम लाइन पर नज़र डालेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिस के टाइम पे मैटर को कॉम्पैक्ट बॉडी कहा जाता था स्टूडेंट्स एक ब्रीफ टाइमलाइन देखते हैं कि किस तरह से जो ऑटोमिक स्ट्रक्चर हमें अब नज़र आता है वो किस पीरियड से किस तरह हिस्टोरिकल इवेंट से गुजरा सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने आता है जॉन डेल्टन जॉन डेल्टन ने सॉलिडेयर मॉडल दिया उसके बाद आए जे जे जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया वो ये कहते थे कि मैटर जो है वो एक ऐसे एक ऐसे माइन्यूट पार्टिकल पे कंपोज्ड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिल के बना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आया आपके पास रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की इसको हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद आए नील बोहर्स जिन्होंने प्लेनिटरी मॉडल दिया जो एक्साइटेशंस और डी एक्साइटेशंस और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अलोंग द न्यूक्लियस कैसे होती है उन्होंने उस पर रोशनी डाली उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वांटम मॉडल आया एटम का जो कि आपको दिया अरविंद श्रोडिंगर ने सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबसे पहले स्टूडेंट्स हिस्ट्री में हम सबसे पहले चलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ स्टूडेंट्स एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर प्रेशर कम रखा जाता है मिनिमम रखा जाता है वोल्टेज मैक्सिमम अप्लाई की जाती है और जो भी गैस अंडर ऑब्जर्वेशन होती है वो उसमें ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती है स्टूडेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब की फ़िज़िकल एग्जांपल्स आपके साइन बोर्ड्स पे नज़र आ रही होती हैं जिसमें आपको मुख्त गैसेस ग्लो करती हुई नज़र आ रही होती हैं ज़्यादातर ये गैसेस स्टूडेंट्स आपके पास नोबेल गैसेस होती हैं जिनके अंदर आपके पास जीन ऑन नी ऑन क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह होते हैं आपके सामने नी ऑन है बेसिक प्रिंसिपल स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब का क्या होता है यानी कि जब आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं और वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं किसी भी ऐसी ग्लास ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलता हो जहाँ पे क्या होता है कि डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है वो डिस्चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका क्या रिलेशन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक अलस्ट्रेशन देख सकते हैं जो कि है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस से एसोसिएटेड स्टूडेंट्स अभी कैथोड रेस कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है इसको हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स एक ग्लास ट्यूब ली गई जे जे थॉम्सन ने एक ग्लास ट्यूब ली ग्लास ट्यूब के अंदर उसने इलेक्ट्रोड्स लिए दो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था इसको कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज जनरेटर से जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया यानी कि वोल्टेज अप्लाई की उसके साथ ही स्टूडेंट्स एक वैक्यूम पंप लगाया गया जिसको आप अपने सामने देख सकते हैं वैक्यूम पंप ने क्या किया वैक्यूम क्रिएट किया हमने गैस फिल की एयर थी फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हमने डिक्रीज़ करना शुरू किया अब हम देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स असल में हम देखना चाह रहे हैं कि गैस कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है यानी कि हम कौन सी कंडीशन अचीव करेंगे जब ये गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी स्टूडेंट्स होता है ये है कि प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है पॉइंट वन एटमोसफेयर तक उसके बाद स्टूडेंट्स इसको डिक्रीज़ किया जाता है फर्दर पॉइंट ज़ीरो वन पर जब स्टूडेंट्स फ़र्दर डिक्रीज़ हम करते हैं इसके अंदर प्रेशर के अंदर और वोल्टेज अप्लाई करते हैं अबाउट फाइव थाउजेंड वॉल्ट तो स्टूडेंट्स होता ही है कि आपके पास जो गैस है वो कंडक्टिंग हो जाती है वो कंडक्टिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो गैस है उसमें से होता ही है स्टूडेंट्स के गैस मॉलिक्यूल्स में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉकआउट होने शुरू हो जाते हैं और वो क्यों नॉकआउट होने शुरू होते हैं क्योंकि नेगेटिव रेज फ्राम द नेगेटिव एलेक्ट्रोड ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट इज कैथोड मूव करती हैं टूअर्ड्स द गैस मोलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करती हैं जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गैस मॉलीक्यूल्स में से नॉक आउट करती हैं तो होता यह कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जब ये ग्रेटर इन नंबर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द ग्लास ट्यूब की तरफ मूव करने लगते हैं जब उसकी तरफ मूव करने लगते हैं तो उसके पैरल जो ग्लास सरफेस है उस पर स्ट्राइक करते हैं और एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्रीन ग्लो है आपके सामने स्टूडेंट पेंशन है अब स्टूडेंट्स इन पार्टिकल्स को जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए और उसकी ऑपोजिट साइड पे उसकी पैरल साइड पे उन्होंने ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस किया इनको कैथोड थ्रोड रेस कहा गया और इनकी इलेक्ट्रॉन से कैसे नेचर मैच करती थी इसको मुख्तु साइंटिस्ट ने बारी बारी स्टडी किया आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आए जे जे जिन्होंने प्रूव किया कि के, के कैथोड रेस कैसे एल, एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आए जे पेरेंट जिन्होंने 1895 में ये प्रूव किया कि कैथोड रेस कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये कैथोड रेस डिफ्लेक्शन कॉज करती हैं इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स इन कैथोड रेज की एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये थी जो कि हेटोफ ने डिस्कस की इन 1869 वो ये कि इनके सामने इनके पाथ में अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये उसका शेडो उसकी ऑपोजिट वॉल पे क्रिएट करती हैं यानी कि दे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द कैथोड सर्फिस उसके बाद स्टूडेंट्स जो कैथोड रेज हैं ये मटीरियल पार्टिकल्स हैं मटीरियल पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने से मुराद ये है कि ये जब एनर्जी ट्रांसफर करती हैं तो मैं ये कह सकती कि ये डेफिनेट मोमेंटम पोजेस करती हैं कैसे व्हेन दे ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील दैट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि पैडल व्हील आपके सामने है ना सिर्फ ये उसको मूव करा रही है यानी कि मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि उस पैडल व्हील का शैडो कैसे ये कॉस कर अपॉन द ऑपोजिट साइड ऑफ द वॉल। उसके अलावा स्टूडेंट्स कैथोड रेज रेस एक्स रेस प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम बाय द एंड ऑफ द चैप्टर भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप इसको किसी प्लेटिनम फॉइल पे फॉल आउट कराएं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ग्लो प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास गैस को आयनाइज़ करते हैं जैसे आपके सामने मैंने डिस्कस किया कि कैसे गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ये नॉकआउट कराते हैं और कैसे मूव करते हैं ये नेगेटिव पार्टिकल्स मिल के और ग्लो प्रोड्यूस करते हैं अपॉन द ऑपोजिट वॉल उसके अलावा स्टूडेंट्स दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज ऑन द मटीरियल एट विच दे फॉल केमिकल चेंज भी ये पास आउट कराते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है पेनीट्रेशन पार इनकी कैसे कि ये किसी भी फॉल से एल्युमिनियम या गोल्ड या किसी भी मेटल फॉयल के अंदर से पास आउट कर सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जब स्ट्राइक करती हैं द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं यानी कि ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं जिसको आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैथोड रेज की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की अपॉन कास्टिंग शेडो कि कैसे ये शेडो प्रोड्यूस करती हैं फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको प्रॉपर सिमेट्री नजर आ रही है कि कैथोड प्रेजेंट है एनोड प्रेजेंट है आपके पास रेज जो है कैथोड में से कैसे निकली और उन्होंने कैसे माल्टीज जो आपके पास एक्स स्ट्रिंग था उसका शेडो कैसे उन्होंने इन दूस ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया ऑन द ऑपोजिट वॉल ऑफ द क्लास उसके बाद स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करते हैं कि आपके पास जे जे थॉमसन ने एक तरह से नेगेटिव नेचर ऑफ कैथोड रेस पर रोशनी डाली उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स ये कैसे पता चला हमें स्टूडेंट्स ये हमें ऐसे पता चला कि जब कोई भी गैस अंडर ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लेते थे किसी भी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ प्रोड्यूस करते थे और बिल्कुल वैसे ही ग्लो प्रोड्यूस करते थे अपॉन द ऑपोजिट साइड उसके अलावा स्टूडेंट्स कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी गैस यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास कोई भी गैस हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो कोई भी नोबेल गैस हो वो हमेशा नेगेटिव एंटिटी और उसका मैस उतना ही जनरेट करेगी चाहे आपके पास जौन सी मर्जी गैस हो उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ई वैल्यू कैलकुलेट की जे जे थॉम्सन ने जो कि थी आपके पास ई एम वैली यानी कि चार्ज टू मैथ रेशो कैलकुलेट की गई जिसके थ्रू आप आगे चार्ज और मैथ कैलकुलेट भी करेंगे जो कि थी आपके पास वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन एस टू पार इलेवन कुलम्स पर किलोग्राम यानी कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पर किलोग्राम ऑफ दैम यानी कि उनके जब एक किलोग्राम के बराबर उनका मैथ होता है तो वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन एस टू पार इलेवन कुलम चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो प्रेजेंट होता है वन किलोग्राम के अंदर